तो दोस्तों अब हम करते हैं चैप्टर नंबर फोर, ठीक है। चैप्टर नंबर फोर को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं हम फॉर्मूलास, जो भी इसमें फॉर्मूलास काम आएंगे वो हम सारे यहां पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या चीज है वो मैं बता देता हूं आपको। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, ओके दोस्तों। अब इसमें जो है ना ये जो अंदर वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हिंदी में विविक्त कर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका डी है। अब डी की कंडीशन है, डी की कंडीशन है अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल्स टू जीरो है अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है और डी लेस देन जीरो है, तो इन कंडीशन में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले जो कंडीशन है डी ग्रेटर देन जीरो, इस केस में आपके टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। दो अलग अलग रूट आएंगे, जैसे 1/2, 1/3, 3 या फिर 6, ऐसे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। कैसे हैं? रियल रूट्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब डी इक्वल्स टू जीरो हो तो उसमें क्या होता है आपका? इक्वल रूट्स आते हैं। क्या होते हैं? इक्वल रूट्स। ये रूट को आप जीरोस भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहां पर एक बार बता देता हूं आपको, देखो इनको, देखो बोलने का नजरिया और कुछ नहीं है। या तो आप देखो इसको रूट्स बोल दो, ठीक है, या फिर आप इसको जीरोस बोल दो, ठीक है, ठीक है। रूट्स बोल दो, जीरोस बोल दो, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूल बोलेंगे, या फिर इसको शून्यांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्यांक, ठीक है। इस तरह से तो इक्वल रूट्स आएंगे इसमें, डी इक्वल्स टू जीरो में टू इक्वल रूट्स, ठीक है, टू रियल इक्वल रूट्स। तो ये कैसे होंगे? रियल, ठीक है, रियल वास्तविक, ठीक है, रियल रूट्स, ओके। अब बात करते हैं डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, इस केस में क्या होता है? देखो ये वाली जो कंडीशन आती है ना, देखो ये वाले तो डिस्टिंक्ट दे रखा है, यहाँ पर इस वाले में इक्वल दे रखा है, यहाँ पर बोलेगा सिर्फ टू रियल रूट्स। टू रियल रूट्स जब बोलता है ना, तो यहाँ पे इक्वल मेंशन है ना यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेंशन है, तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे दोस्तों आप, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, दोनों कंडीशनों का कॉम्बिनेशन, ओके। और अब है डी लेस देन जीरो, जब डी लेस देन जीरो इस कंडीशन में क्या होता है? इमेजिनरी रूट आते हैं। क्या कैसे आते हैं? इमेजिनरी, इमेजिनरी ये एन और ये आई, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इस केस में नो रूट्स भी लिख सकते हो आप, इसमें इस केस में आपके कोई भी शून्यांक कोई भी रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है और डी की वैल्यू क्या है? यहां पर लिख रहा है, देखो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में। यहां पर देखो कई बार आपको इसी से डी की मदद से के की वैल्यू निकलवाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं। और इसमें दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बनते हैं, किसके? वर्ड प्रॉब्लम के, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे इस केस में, वर्ड प्रॉब्लम जैसे ट्रेन से संबंधित आ गए, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड आ गए, ठीक है, और भी आएंगे तो हम इस पे इसमें देख लेंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ओके दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता रहा हूँ ओनली मैं आपको, है ना, ये मतलब एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बता रहा, जो भी इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आएंगे वो मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 4.1 का, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपके जो फॉर्मूले काम आएंगे ना, देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं लिख देता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता हुआ जहां तक मैं सोचता हूं, मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का यहाँ पे 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है, और माइनस बी क्यूब और यहां पे माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आता है? ए माइनस बी, ओके दोस्तों। और बात करते हैं बाकी, यही काम आएंगे, है ना, यही काम आएंगे। तो इसके अलावा और क्या बताऊं, ठीक है, बस इतना ही काम आएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये सेवंथ पार्ट की। तो इसको इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा, जैसे अब इसको बता रहे हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, जैसे एक्स की पावर 2 या डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब ये चीज आनी चाहिए सम इक्वेशन में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल्स टू 2x और यहां पे x स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसको मेरे को खोलने के लिए फॉर्मूला मेरे को मालूम होना चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला का यूज करता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे लिखूंगा मैं, अब डायरेक्ट लगा लेता हूं मैं, ए क्यूब, ठीक है, x का क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, ठीक है, 2 into 2 into 2 8 ही होता है, ठीक है, प्लस का 3ab 3 और a into b यानी कि 2 into x। अब x को है ना आप ऐसे मत बनाना, x को ऐसे बनाना, क्योंकि फिर है ना मिक्स हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई और x, ठीक है, समझ भी नहीं आएगा फिर। और a प्लस b, a प्लस b मतलब x प्लस 2, ये मैंने लिख दिया, ओके।
और ये जो लिख रखा है ना आपका, इसको अंदर इंटू कर दो 2x को, तो 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे इससे इंटू के, और माइनस का क्या आ जाएगा 2x। ओके अब देख लेते हैं इसको और सोल्व करते हैं आगे फर्दर। तो यहाँ पे x क्यूब बना प्लस का 8 प्लस का 3 टू जो 6, 6x हो जाएगा ये, और 6x अंदर इंटू होगा तो 6x स्क्वायर, और प्लस प्लस है ना यहाँ पे प्लस लगा दिया, और 6 और 6x है और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 टू जा 12x, और यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या है 2x क्यूब। यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पर आपका मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका है 2x क्यूब और माइनस का 2x, ठीक है। ओके दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, देखो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ले आऊँ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना है 12x, और यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब, देखो ये प्लस का नहीं इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2x, और इक्वल्स टू में क्या हो गया 0। ओके दोस्तों अब देखो ये एक्स क्यूब है और यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है, तो x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब है तो कितना बचा आपका माइनस का x क्यूब। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 12x प्लस का है, ये 2x प्लस का है तो ये कितना हो गया 14x, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक 8 बचा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो इसने क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर तो डिग्री 3 बन रही है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता ना, सिर्फ ये होता तब क्वाड्रेटिक बोलते, अगर ये नहीं होता सिर्फ ये होता तब नहीं बोल सकते थे। तो यहाँ पर क्यू हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 आ रही है यहाँ पर, तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है क्यूबिक इक्वेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देना नो, क्या लिख देंगे नो। ओके दोस्तों अब इसी तरह हम देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है, और जो भी नहीं हो आपसे वो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना दोस्तों, है ना। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन ये वाला है, ये है एक्स, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही चीज़ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, तो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, और यहाँ पे इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2 a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जो 4 4x आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को यहाँ पर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इधर ले आओ, माइनस एक्स क्यूब माइनस का 4 और प्लस का 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब नहीं है, ठीक है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। अब यहाँ पे कितना है आपका 3x और यहाँ पे कितना 4x, तो ये 7x हो गए, और यहाँ पे 1 और माइनस 4, माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस 3, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही कैंसिल आउट हो गई, तो इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है लीनियर इक्वेशन, क्यों है, क्योंकि डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, मैंने शुरू में भी बताया था आपको, जब डिग्री 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री अगर 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन। ओके तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देना नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। ओके अब बाकी के जो बच रहे हैं वो आप करके देखना, इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी। ओके दोस्तों तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यहां पर बनाना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है, ये क्या होती है इसकी विड्थ होती है। ओके दोस्तों अब मैंने ये लेंथ और विड्थ यहां पे मेंशन कर ली, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर इसका एरिया की बात करूं मैं, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया एल इन टू बी ए होता है, ठीक है, जो कि हमको दे भी रखा है, एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 2 8, ठीक है, और यहां पर आपको ये एल इन टू बी मैंने लिख दिया, एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इसको आगे हमको पढ़ना होगा दोस्तों, तो आगे क्या लिख रखा है इसमें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो यहां पर जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे मैं इसको डिकोड करूंगा, देखो यहां पर, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, लेंथ ऑफ द प्लॉट जिसको मैंने क्या माना एल इज, इसका मतलब होता है इक्वल वन मोर, वन मतलब वन, मोर का मतलब प्लस, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस किसका विड्थ का, तो ऐसे ये लिख दूंगा मैं इसको ऐसे, तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन दोस्तों। अब इक्वेशन वन एंड टू को हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखो वन एंड टू को हम जब सोल्व करेंगे ना, तो देखो यहां पर एल बी की वैल्यू 5 to 8 है, तो मैं क्या करूंगा एल तो और बी, एल इंटू बी बराबर 5 to 8 मैंने एक बार लिख दिया, और एल की वैल्यू यहां से हम ये लिख सकते हैं 1 plus 2b, ब्रैकेट में रखना, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 plus 2b, एल की जगह रखा ना, और इंटू में क्या है बी है, इक्वल्स टू में 5 to 8। ओके
अब देखो b को अंदर इंटू कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, b प्लस टू बी स्क्वायर, और यहां पे इसको यहां पे ले आओ, चाहे तो अभी ऐसे ही लिख लो, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टू बी स्क्वायर ठीक है, और प्लस का b और माइनस का 5 to 8 को प्लस का नहीं डालेंगे माइनस का हो जाएगा ओके, और इक्वल जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी है ना। बस हमको यही बताना था इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है ओके दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली ठीक है। अगर आगे भी हमको यहां पर बी की वैल्यू निकालनी है ठीक है, यहां पे आगे अगर हमको यहां पे बी की वैल्यू निकालनी है ठीक है, तो ये बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहां से, बी की वैल्यू निकाल लो और एल की वैल्यू निकाल लो, तो वो हम निकाल सकते हैं ठीक है। तो वो यहां पर आप करके बताना एल और बी की वैल्यू क्या आ रही है, तो मेरे को तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला था वो मैंने कर दिया ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं दोस्तों है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, आगे वाले क्वेश्चन इसे नोट डाउन कर लेना। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं, देखो आगे का जो क्वेश्चन है करते हैं आप ठीक है, एक मिनट रुकिए ये थोड़ा सिस्टम खराब, देखो आगे का जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये हम करते हैं दोस्तों, तो ये वाले जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं ठीक है, तो इनको हम सोल्व करते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। लेकिन देखो इसमें थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, थर्ड ये सेकंड आप करने की कोशिश करना, मैं आपको डायरेक्ट थर्ड और फोर्थ करा देता हूं ना, सेकंड वाला आप करने की कोशिश करें, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, कुछ नहीं करना, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, एक को एक्स मानना और दूसरे को एक्स प्लस वन मान लेना ओके दोस्तों, एक को एक्स मानना और दूसरे को एक्स प्लस वन मान लेना, एक्स प्लस वन मान लेना आप दूसरे को ठीक है। ठीक है तो एक को x मान लेना दूसरे को x प्लस वन। अब देखो इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, रोहन मदर इज 20, देखो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है एक रोहन है और यहां पर सेकंड ये थर्ड वाला ठीक है, रोहन और रोहन की मदर ठीक है। अब यहां पे लिख रहा है रोहन्स मदर ठीक है, रोहन्स मदर और इसकी एक्स ईयर मान लेते हैं रोहन की ठीक है, और यहां पर आपका मदर की वाई एज मान लेते हैं ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम ठीक है, रोहन्स मदर है ना 26 ईयर ओल्डर देन किससे, रोहन से ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं वाई इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स लिख दूंगा ना ऐसे, क्योंकि देखो जो मदर है ना रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, तो y बराबर 26 प्लस x आएगा, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको ठीक है। रोहन्स मदर मैंने लिख लिया y इज मतलब इक्वल 26 ईयर 26 लिख दिया, ओल्डर ओल्डर मतलब प्लस लगाएंगे और देन किससे, रोहन से, तो x लिख लिया ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, देखो प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस दे रखी है 3 ईयर फ्रॉम नाउ ठीक है, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब क्या करना है हमको, 3 ईयर इनमें ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा रोहन और ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 ठीक है। देखो 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी प्रोडक्ट 360 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360। अब हमको इसमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है ठीक है, तो जो हमने ये बनी थी ये प्रेजेंट एज ही है ठीक है, प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, लेट मान लेंगे ठीक है। आप करते हैं देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई, अब इससे सोल्व करके दूसरी इक्वेशन बना लेते दोस्तों, तो यहां पर देखो x प्लस 3 लिखा मैंने और यहां पे ये y प्लस 3 ठीक है, और ये इक्वल्स टू में 360 है ओके। अब मैं क्या करता हूं, या तो आप इसको यहां पर पुट कर दो, चलो फिर इसको सोल्व कर लेते पहले है ना, या फिर यहां पर पुट कर सकते हो आप, देखो y की वैल्यू 26 प्लस x यहां पर पुट कर सकते हो, तो मैं पुट कर देता हूं है ना, x प्लस 3 लिखा मैंने, अब y की जगह मैंने ना ये वाली वैल्यू पुट कर दी 26 प्लस x और प्लस 3 इक्वल्स टू 360 ओके। अब देखो यहां पर लिख दूंगा मैं x प्लस 3 क्यों पुट करी, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, किसी बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे देखो यहां पे एक वेरिएबल हमको, एक वेरिएबल में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, इसलिए एक वेरिएबल में हो जाए, इसलिए हमने यहां पे y की जगह x पुट कर दिया। अब 26 और 3 कितने होते हैं 29, तो 29 हो गया ठीक है, और प्लस का कितना है x है और इक्वल्स टू में 360 ओके। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो x को इससे इंटू करेंगे तो 29x, फिर x को इससे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर ठीक है, फिर 29 को 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 और 87 ठीक है, ये 87 आ जाएगा और प्लस का यहां पर 3x कितना आ जाएगा 3x ओके, और इक्वल्स टू में 360 ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को तो यहां लिखते थे एक बार प्लस, अब यहां पे देखो 3x और 29x इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि x x वैल्यू नहीं है, तो कितना आ जाएगा 29 और 3 प्लस 87, तो 87 को वहां पर भेज देते पहले 360 माइनस
ये प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 87। ठीक है, अब इसको हम देखो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, या आप नोट डाउन कर लेना ना, ये मैं नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो 360 में से आप कितना माइनस कर लो, 87, तो ये 3 बचा और ये 5 है, 15 में से 8 गया तो 7 और ये 2, तो कितना आएगा 273। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और ये इधर ये इक्वल्स टू में क्या है 273 प्लस का है, इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 273। चाहे तो माइनस बी प्लस माइनस उससे भी कर सकते हो सोल्व, या फिर आप इसका फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फैक्टराइज उससे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 32, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है माइनस 273। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, तो सबसे पहले इसमें ना ये माइनस बी प्लस माइनस रूट, रूट ये आपको रूट निकाल के दे देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना आता है 2a। ठीक है, अब ये नीचे वाला भी मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से देखो माइनस बी की वैल्यू रखोगे माइनस, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है यहाँ पे 32, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कर लेंगे हम 32 into 32, और माइनस का 4a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस में 273। ठीक है, और नीचे कितना है 2a, 2 into 1। ओके, अब देखो यहाँ पे 32 into 32 कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है, 4 3 2 6, 3 2 6 और 3 3 9, तो यहाँ 4 2 और 10, 1024। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 into 273 भी करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं अभी के अभी, 2 1 7 8 9 2, और यहाँ पे 4 2 8 और 2 10, अब इन दोनों को प्लस भी कर देना है यहीं की, तो ये आ जाएगा 6 और 11 1 और 8 2, 2116। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, जो ये ना 2116, इसको ध्यान रखना, ठीक है, 2116, तो अंदर क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस ये 2116। ओके दोस्तों, और यहाँ पे कितना है माइनस का 32, और नीचे कितना है आपका 2। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस, अभी देखो अंदर जो रूट है ना, रूट 2116, इसका रूट क्या होगा, तो देखो इसके दो मेथड है निकालने के, या तो आप इसके फैक्टराइजेशन कर लो इस तरह से, या फिर आप डायरेक्ट इसका उस मेथड जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आपको ईजी पड़ेगा ये वाला। ठीक है, 2 1 2, ठीक है, फिर 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा चला गया ना, एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ पर देखो 2 1 2 हो गया, अब यहाँ पे 0 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अब ये 1 उतारेंगे, दोबारा 1 उतारेंगे, तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, फिर अगेन, अब देखो अब 2 से नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट 9 आ रही है इसमें। ठीक है, तो इन डिजिट्स को सम कर लो, क्या पता 3 चले, तो 9 और 2 11 11 और 5 कितना होता है आपके 16, तो ये आपका उससे तो जाएगा नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, 7 से देख लेते हैं, तो 7 से जाएगा 49 49, और तो ये आपके बचे 3, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 9 9 जा 45 45, और 7 नहीं, तो ये 13 से भी नहीं जाएगा, 14 15 16 17 17, देखो तो 51 नहीं, 19 से देखो 19 2 जा 38, 19 3 जा 46, नहीं उससे भी नहीं जाएगा, तो 23 से जाएगा, देखो 23 से इसको करो, और ये 529 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको देखो मैं आपके तरीके से सोच रहा हूँ और आपके तरीके से धीरे धीरे कर रहा हूँ, 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, तो 23 का 23 टाइम जाएगा, दिखा देता हूँ, देखो मैं आपको 23 into 23 करेंगे ना, आपको देखो 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, मैं आप कमेंट कर देना, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो भी बना के दे दूंगा, ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो, 3 3 9, 3 2 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 6 और 2 2 4, तो यहाँ पे देखो 9 6 और 6 12, 2 1 कैरी गया और 5, ठीक है, तो 529 आ रहा है ना 23 का स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन की एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 23 से एक बार गया, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में ना 2 2 टाइम आया, 23 2 टाइम आया, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर क्या आ जाएगा निकल के 32 प्लस माइनस, अब ये एक बार इसको 23 लिखूंगा यहाँ पर और एक बार 2 लिखूंगा, तो 23 2 जो कितना था 46, तो ये 46 का स्क्वायर रूट है, देखो आसानी से पता लग गया 23, देखो दो दो के पेयर बनाने और फिर इनको बाहर निकाल ले, दो दो के पेयर बन गए तो एक बार दो बाहर आ जाएगा, 23 दो बार है तो एक बार 23 बाहर आ जाएगा, और 23 2 जो कितना था 46 और नीचे 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो अभी क्या आ जाएगा आपका, तो दो आएंगे आपके दो आंसर, एक तो माइनस 32 और एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में, प्लस 46 अपॉन 2, और एक बार आएगा आपका माइनस 32
और माइनस का 46 अपॉन 2। अब देखो एजेस निकाल रहे ना रोहन, तो माइनस में एजेस तो आएगी नहीं, नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला आंसर आएगा हमारा। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं और ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ये नोट डाउन करते रहे ना आप, पोच कर गया ना। देखो ये वाला कर लेते हैं, तो 46 है और ये 32 है, तो कितना बचा 4 और ये 1 14, और 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। और ये किसकी वैल्यू है, ये किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी हमने, ये हमने बनाई थी x में, ठीक है। और x को क्या माना था हमने, रोहन की एज माना था ना, रोहन की प्रेजेंट एज माना था, तो ये रोहन की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है, रोहन की क्या आ गई है, प्रेजेंट एज, यही पूछा था, मदर की तो पूछा नहीं है। तो रोहन प्रेजेंट एज क्या आ गई, x बराबर 7 ईयर। ओके दोस्तों, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, if the speed has been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। to sabse pehle dekho ek train hai, main aapko question samjha raha hu dosto, dekho ek train hai aapki, theek hai, ye train hai aapki, suppose karo yahan par ye train hai is tarah se, theek hai, ye train hai aur ye train kitni distance cover kar rahi hai, 480 km, theek hai। ab ye सबसे पहले ना इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट इसकी जो स्पीड रही होगी ना इनिशियल स्पीड वो x किलोमीटर पर आर है, ठीक है, और इसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, t टाइम लग रहा है, t घंटे, t आर लग रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ अगर स्पीड अगर कम हो जाए तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो एक केस तो ये है, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस इन चीजों का यूज करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए, अगर ये इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहे और t घंटे में ये यहां से यहां तक पहुंचती है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से मैं x पुट कर दूंगा, डिस्टेंस कितनी है 480 है और टाइम कितना है t है, तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई ये दोस्तों, ओके। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है, जब हमारी स्पीड लेस देन हो जाए 8 किलोमीटर, क्वेश्चन में बोला है 8 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारी स्पीड हो जाए 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिट होती है, ध्यान रखना इसको लगाना जरूरी है। और टाइम कितना ले रहा है, टी घंटे, अब 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो पहले टी ले रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो टी प्लस 3 होगा ना, देखो मोर लिख रखा है यहाँ पे, तो 3 प्लस, अगर लेस होता तो माइनस करते हैं, टी प्लस 3, और ये क्या होगा, टाइम किस में लिखता है, यूनिट आवर्स में, ठीक है, तो टी प्लस 3 आवर्स, ठीक है, ये यूनिट जरूर लगाना। अब मान लो सपोज करो, जैसे यूनिट का बता रहा हूँ, सपोज करो आप दुकानदार के पास गए और आपने बोल दिया भाई साहब 1 चीनी दे दो 3 चीनी दे दो, उसका तो दिमाग खराब होगा ना, भाई 1 किलो चीनी बोलो, 2 किलो चीनी बोलो, ऐसी तो बोलोगे, तो इसलिए यूनिट जरूर लगाना, एग्जामिनर नंबर काटता है यहाँ पे बोर्ड वाला, ठीक है, तो ये लिख दे रहा आप, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्पीड, स्पीड लिखा, स्पीड की जगह एक्स माइनस 8 रखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट बना लेना इसमें, और डिस्टेंस तो सेम ही है ना, यहाँ से 8 से बी जा रहा है, इसमें भी ए से बी जा रहा है, इसमें भी ए से बी जा रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 480, ओके। टाइम कितना लग रहा है इसमें, टी प्लस 3, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ओके दोस्तों। अब हम इस सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो देखो सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो ये x माइनस 8, ओके, और ब्रैकेट में ये x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे t प्लस 3 है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे t प्लस 3 और इक्वल्स टू में 480। अब मैंने आपको बता रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक वेरिएबल में बना लो तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पर मैं x को ही बना लूँ, क्योंकि x ही फाइंड आउट करना, फाइंड क्या करना हमको, ये गिवन वगैरह आप लिख देना यहाँ पे, गिवन क्या चीज़ है देखो ये है ना, और फाइंड, फाइंड में क्या निकालना है हमको, एक्स निकालना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू मतलब एक्स स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड, इनिशियल स्पीड, ठीक है, ऐसे लिख देना यहाँ पे, गिवन, गिवन में आप ये लिख देना कि हमको ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, और ये लेस देन ये दे रखा है गिवन में, ये और ये, ठीक है, ऐसे लिख देना और फिर कर देना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कर देते हैं, ये तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस 8, और ये टी की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, देखो यहाँ से ये रख सकता हूँ, टी को यहाँ पे ले जाओ, एक्स को ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो मैं छोटा सा बता देता हूँ, t इक्वल्स टू आ जाएगा 480 अपॉन x, ऐसे लिख सकता हूँ, x इधर आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस, अपने आप आ जाएगा, नहीं आता तो आपको 480 और नीचे कितना लिख दिया x, और माइ प्लस का कितना है 3 है, ओके दोस्तों, और ये इक्वल्स टू में 480। अब मैं क्या करूँगा, देखो x माइनस 8 लिखा है ऐसा ऐसा एजिटेज, अब ध्यान रखना यहाँ पर है ना, ये बच्चे का डायरेक्ट इसको इंटू कर देते, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1 लगा लो, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा एक्स और 1 का एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो 480 ऐसे कैसे लिख दूँ, ठीक है, प्लस का प्लस लगाऊंगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स डायरेक्ट ऊपर इंटू हो जाएगा 3x, ओके, और ये ब्रैकेट 1 और यहाँ पर 480, ओके। अब देखो उसके बाद वाली स्टेप, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स माइनस 8 ब्रैकेट 1, ऊपर क्या बचा 480 प्लस का 3x, अभी देखो पूरे में
पूरे में अपोन है ना, अगर एक में अपोन होता तब x को बाहर नहीं ले सकते थे हम ब्रैकेट के, लेकिन अब पूरे में अपोन है, देखो 480 प्लस 3x, इस पूरे के अपोन में x, तो अब इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ x ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, छोटी छोटी बातें, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करूंगा, x को 480 से इंटू कर दूंगा और यहां पर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं, तो यहां पर मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको, ठीक है, अगर आपको स्टेप समझ में आती है तो 2x स्पीड कर सकते हो आप यहां पर, है ना, जल्दी जल्दी भी देख सकते हो, लेकिन मैं उस बंदे के लिए भी बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल मैथ में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूँ। और 480x क्या आ जाएगा, इसको x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अब x को पहले इससे इंटू करेंगे फिर इससे इंटू करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 480x और इसको इससे इंटू करेंगे प्लस का 3x², ठीक है, माइनस, अभी माइनस इस वजह से लगाए, माइनस 8 इससे इंटू होगा ना इस वजह से, तो 480 इंटू 8 कर लो, तो यहाँ पे 0, 8 जो 64, 4 कितना कैरी हुआ, 6 कैरी हुआ, 84 जो 32, 32 और अपना 6 बच रहा था, 32 और 6 कितना होता है 38, ठीक है, तो ये 3840 और यहाँ पे कितना है 480x, इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस का कितना हो जाएगा 480x और इक्वल्स टू में 0, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई दोस्तों, है ना, ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है, इंटू कर लिया, पहले इसको इससे इंटू करा, फिर इसको इससे इंटू करा, फिर इसको इससे इंटू करा और फिर इसको इससे इंटू करा, देखो ये इंटू नहीं करा हमने, ये भूल गए, रुको एक मिनट, तो यहाँ पर इसको और इंटू करना भूल गए ना, ऐसे देख लिया करो आप, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 8 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 8 3 24 और यहाँ पर x और फिर इक्वल्स टू में 0, इसको मैंने ले लिया यहाँ पर, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो देखो ये प्लस का 480x है, ये माइनस का 480x है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, सेम सेम बराबर वैल्यू है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जो जो चीज बची उसको लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 3x² है, फिर इसके बाद x वाला लिखते हैं, माइनस का 24x, फिर उसके बाद ये लिखूंगा मैं माइनस का 3840 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे देखो 3 3 3 तीनों 3 से डिविजिबल है, 24 भी 3 के टेबल में आता है, 3840 भी 3 के टेबल में आता है, ये कैसे पता करा मैंने, देखो डिजिट का सम करो, 3 और 8 कितना होता है 11 और 11 और 4 15, 15 प्लस 0 15 ही होता है और 15 3 के टेबल में आता है इस वजह से, तो यहाँ पर मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 जो कॉमन लेते हैं ना वो इसके नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये x², अब 3 इसके नीचे आएगा, 3 8 जो कितना होता है 24 8x और इसके नीचे 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 2 बचा और 3 8 जा 24 ये ऐसे बचा। अब ये देखो 3 0 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लेना ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, है ना। तो देखो यहाँ पर अब हमारा आंसर भी आने वाला है, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनी x² माइनस 8x माइनस का 1280 इक्वल्स 0। अब देखो आपको सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि ये 1280 इंटू 1, यहाँ पे 1 था बोल लो, तो ये 1280 आ रहा है और इसके ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे 8x आ जाए और इंटू करने पर 1280 आ जाए। देखो मैं तो बता दूंगा, यहाँ पे 32 ले लो और एक 40 ले लो, इन दोनों का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा और सम करो मतलब प्लस माइनस करोगे तो 8x आ जाएगा और इंटू करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता लगाना है कि 32 40 आएगा वो चीज मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो इसके फैक्टराइज कर लो, इसके क्या कर लो फैक्टराइज, 2 से जाएगा पहले 2 6 12, 2 4 8 और 0, फिर अगेन 2 से जाएगा 2 3 6 2 2, फिर अगेन 2 से जाएगा 2 1 2 6 12, ठीक है, फिर अगेन 2 से जाएगा 2 8 और 0, चाहे तो आप 4 4 से भी करके देख सकते हो ना, जल्दी हो जाएगा ये 40, लेकिन मैं तो आपको पूरा बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपके तरीके से, 20, फिर 2 से जाएगा ये 10 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 5 टाइम और फिर 5 से जाएगा ये 1 टाइम, ठीक है। अब इसके सेट बनाओ कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया 2 2 4 4 2 8, ठीक है, 8 2 16 16 2 32, एक तो ये बनाया, फिर इसके बाद ये बनाया 5 2 10 10 2 20 22 40, एक इसका कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखो 40, देखो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे आपको ना, 40 और 32, तो 32 और 40 को इंटू करेंगे तो 1280 आ रहा है और 32 में से माइनस का 40 कर दिया ऐसे, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान रखना इसको, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, देखो इसको लिखेंगे x² माइनस 30, माइनस क्या लिखेंगे 40, क्योंकि बड़ी संख्या बड़ा लेना पड़ेगा ना माइनस का, जब भी तो माइनस आएगा, और प्लस का क्या ले लिया 32x, देखो माइनस का 40x में से प्लस का 32x करेंगे माइनस का 8x और 40 को 32 से इंटू करेंगे तो 1280 आ रहा है, हो गया ना, और इक्वेशन 0। अब इसमें x कॉमन ले लो तो यहाँ के बचेगा x माइनस 40, अब ये आपको आता होगा क्योंकि मैंने शुरू में बता रखा है कैसे लेते कॉमन और कैसे बचता है यहाँ पर ना, और यहाँ से 32 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस या 40 बचेगा, करके देख लेना चाहे आप, ठीक है, तो 32 32 64 64 61 है, ठीक है, और इक्वेशन 0। तो एक बार तो यह वाली चीज लिखनी आती है हमको x प्लस 32 इक्वल्स 0 और एक बार x माइनस 40 को इक्वल्स में 0 लिखना पड़ता है। ये देखो स्पीड कभी नेगेटिव में आ नहीं सकती, ये किलोमीटर पर आर शुरू में माना था ना x को स्पीड माना था, तो ये तो आ नहीं सकती, नेगेटिव में स्पीड होती नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 40
किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है दोस्तों, है ना। ये आंसर कैलकुलेशन में टाइम लगा, इसमें ध्यान रखना, और कैलकुलेशन आपको अच्छे से करके जाना, मैंने एक ही स्टेप बताई है इसके, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ना मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आगे देखते हैं ये वाला 4.2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो 4.2 में देखो, पहले क्वेश्चन की ये थर्ड और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इनको ही बता देता हूँ आपको, ना बाकी आप सोल्व करके देखना। इसमें निकालेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सवाल नंबर थर्ड है इसका, फर्स्ट का, तो ये लिख रखा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, ठीक है, और प्लस का कितना लिख रहा है 5 रूट टू इक्वल्स टू 0, ओके, ये मैंने लिख लिया। अब इसको फैक्टराइजेशन से करना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, रूट टू को 5√2 से इंटू करूंगा, या देखना x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे बीच में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको रीअरेंज कर लेना, ठीक है। तो रूट टू को मैंने 5√2 से इंटू करा, मैंने बताया था रूट टू को √2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, और 5 × 2 = 10। अब ऐसे नंबर बनाने हैं आपको कि प्रोडक्ट करने पर तो 10 है, और प्लस माइनस करने पर ये आ जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे नंबर ले लेता हूँ 5 और 2, 5 × 2 जो कितना होता है 10, और 5 और 2 करेंगे तो 7 आ रहा है, देखो आसान हो गया ना। तो ये मैं लिखूंगा √2 x² प्लस का 5x प्लस का 2x, देखो 5 और 2 7 हो रहा है, और 5 × 2 जो कितना हो रहा है 10, ये हो रहा है ना, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना आपने, ठीक है। एक चीज बताऊंगा लेकिन अभी पहले ये इसको कॉमन ले लेते हैं, √2 x को मैंने कॉमन लिया, जो कॉमन लेता वो नीचे आ जाएगा इसके, और √2 से √2 कैंसिल, x से 1x कैंसिल, तो x बचेगा, प्लस जो चीज मैंने कॉमन ली इसके नीचे आएगी 5/√2 लिखूंगा मैं इसको, और यहाँ पर x से x कट जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब जो चीज यहाँ पर बनी उसी चीज को यहाँ पर बनाना है, तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया दोस्तों, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 5√2, और नीचे कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 कॉमन लिया ना, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने और सोचने समझने की जरूरत है, देखो बताता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल है, बताता हूँ कैसे। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक लग रही होगी आपको, है ना, लेकिन दिखाता हूँ। देखो √2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2^1/2, ओके, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2^1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, अपोन में ऐसे, है ना, √2/2, तो पावर जब भी बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 2^1/2, और ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये बताओ 1/2 − 1 करेंगे, और यहाँ 1 लगा लो, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 लिखूंगा क्योंकि 2 यहाँ 1 है, तो डायरेक्ट 2 × 2 हो जाएगा, तो ये माइनस के 2 में से 1 गया, तो माइनस का 1 बचेगा अपॉन 2, तो माइनस का हाफ बचेगा, ठीक है, ये आपको आना चाहिए बेसिकली। तो हाफ में से 1 गया तो 2^ कितना बचा, माइनस का हाफ, और मैंने आपको शुरू में बताया था √2 को आप लिखते हैं 2^2, तो इसको क्या लिख दूंगा 1/2, पहले तो लिखूंगा 2^2, क्योंकि माइनस है ना, 2^-8, ये आपको आना चाहिए ना, 2^2 है, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, प्रॉपर्टी होती है ना ये पावर की, और पावर इन एक्सपोनेंट की, 2^2, और इसको क्या लिख दूंगा 1/2 को √2, ओके ओके। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, देखो ये चीज तो मैंने कर दी, लेकिन एग्जाम में थोड़ी करके बताना है आपको, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए √2/2 जब भी होता है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/√2, ये आप साइड में नोट डाउन कर लेना आपने, ठीक है, √2/2 होता है तो इसको क्या लिखता है 1/√2, ठीक है। एक फॉर्मूला भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो ऐसे √x/(x) = 1/√x, इसको ऐसे लिखते हैं, बस इतना बात आप समझ में आ गई होगी आपका, ये होगा ना। तो अब देखो अब क्या करता हूं मैं, देखो तो मैं इसको लिखूंगा √2x, अंदर तो ये है x प्लस 5/√2, और यहाँ पे प्लस का 2, और यहाँ पे x प्लस, ये कितना आ जाएगा 5/√2, √2/2 को मैंने लिख दिया, ठीक है, इक्वल। अब एक बार है ना, बाहर बाहर वाली चीजों को एक बार लिख लो, √2x प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0 कर दो इसको, और एक बार क्या कर दो ये वाला x प्लस 5/√2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 2, ये √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली वैल्यू आ गई, और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा माइनस का 5/√2, एक ये आ जाएगा आपका, एक ही आ जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये इसका आंसर है ना, ये इसके आंसर है। तो आप ये मैंने कर दिया है सॉल्व इसका थर्ड वाला पार्ट, ये इसके मैंने आइडेंटिफाई कर दिया इसके रूट्स क्या है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये फिफ्थ वाला है 100x² − 20x + 1 = 0। अब देखो एग्जामिनर इसको अगर ऐसे लिखता तो कई बच्चे तो बेचारे करते ही नहीं इसको, है ना, तो वो क्या करते हैं इसको इसको इंटू करते और यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको रीअरेंज करके लिखो पहले इस तरह से, पहले x² फिर x + 1, ठीक है, फिर उसको करना होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो मैंने ऐसे बना दिया, देखो कितना हार्ड लगने लग जाता है। तो 100 × 1 कितना होता है 100,
और ऐसे फैक्टर करो कि उनका सम प्लस माइनस करने पर 20 आ जाए और इनटू करने पर 100 आ जाए। तो ऐसे क्या नंबर होंगे, ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं आपके, देखो। तो यहां पर आप कर सकते हो, जैसे मैंने मान लिया यहां पर नंबर 100 और यहां पर 1 करना है, तो 10 और 10 मान लो, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 और 10 और 10 करेंगे तो 20, लेकिन ये दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस 20 आ रहा है। तो यहां पे लिख दूंगा 100x² माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे 100x कॉमन ले लेता हूं मैं, बस यहां पर तो मेरे को शुरुआत में यहां पे x बचाना होता है, तो जो जो चीज है ना सारी कॉमन ले लो, बस x छोड़ दो यहां पे, ठीक है। अब माइनस का यहां पे क्या लूंगा, 10। अब यहां पे 10x है, नीचे क्या आ जाएगा 100x, x x कट गया 10 से, ये ऐसे 100 है ना, तो जी चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं, 1/10 बचेगा, ठीक है, मैं कर देता हूं यहीं पर, 1/10 है ना, अब आपको आदत भी हो गई होगी, 1/10। अब जो चीज यहां पर बनी है ना उस चीज को यहां पर बनाना है, तो मैं यहां से क्या कॉमन लूं, माइनस में 10 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि प्लस है ना अंदर और यहां माइनस आ रहा है, तो माइनस 10 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर क्या बन सके, माइनस। तो 10 कॉमन लिया, 10 इसके नीचे आ गया, 10 से 10 कट गया, x बचा। अब ये माइनस कॉमन लिया, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/ जो कॉमन लिया नीचे चल जाएगा 10 इक्वल्स 0। अब ये एक बार तो इसको एक साथ लिख लो, 100x माइनस का 10 इक्वल्स टू में 0, और एक बार इसको लिख लो, x माइनस 1/10 इक्वल्स टू में 0। तो एक तो वैल्यू आ गई 100x, ये 10 को इधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/100 मतलब 1/10, और एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर माइनस 1/10 को इधर ले जाएंगे 1/10। तो ये दोनों भी हमने निकाल दी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, आसान है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको, है ना। अब हम इसके, ये तो मैंने कर दिया इसका फिफ्थ वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो इसके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है कुछ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, तो मैं इसमें से थर्ड फोर्थ फिफ्थ बता देता हूँ, सिक्स आप करने की कोशिश करना, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे करा था, अभी अवेयर करा था ना थर्ड यूनिट में, उस तरह का है, ठीक है। तो हम जैसे थर्ड वाला मैं कर देता हूँ, फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो मैंने नंबर माना, एक एक्स माना और दूसरा क्या माना, 27 माइनस एक्स, सब कुछ करें, नंबर जरूरी है मानना है ऐसे, लेट कर लिया, एक एक्स आप एक्स वाई से भी कर सकते हो तो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा उससे, तो मैंने इससे ले लिया, एक एक्स मान लो, एक 27 माइनस एक्स ले लिया। अब इन दोनों का सम करूंगा अगर मैं इन दोनों नंबरों का, तो देखो एक्स एक्स कट जाएगा, कितना आ रहा है 27, यानी कि आपने जो नंबर माने वो सही माने, ठीक है। तो देखो फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे, ब्रैकेट लगा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू में कितना आ रहा है आपका 182, बस यहीं से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये x इंटू हो जाएगा अंदर, तो ये 27x माइनस का x स्क्वायर, और यहां पर 182 को इधर ले लो अंदर, माइनस का 182 इक्वल्स टू में 0, ओके। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इधर ये अरेंज कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, क्योंकि प्लस का नहीं, और माइनस का 182 इक्वल्स टू में 0। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का कितना हो जाएगा 182 इक्वल्स टू में 0, ओके। अब इसके फैक्टर करने दोस्तों, है ना, बेसिकली हमको इसके फैक्टर करने हैं। तो ऐसे क्या नंबर है आपके पास, 182 इंटू 1 182, ऐसे नंबर सोचो जिनका सम प्लस माइनस करने पर 27 आए और आपके इंटू करने पर 20 मतलब 182 आए, ठीक है। मैं तो ले लूंगा, मेरा क्या है, मैं तो 15 और ये ऐसे 15 और 12 ऐसा कुछ आएगा इसका, तो वो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना कैसे लेते हैं। तो मैं इसका कर देता हूँ फैक्टराइजेशन, तो पहले 2 से करेंगे, 29 जा और 21 जा, ठीक है, फिर ये 2 से तो जा नहीं सकते क्योंकि एंड डिजिट 1 है इसके, 9 और 1 करेंगे तो 10 आ रहा है, तो 13 से जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 7 से भी जा सकता है, 7 से कर लेते हैं पहले, 7 से भी जा सकता है, तो मैं इसको 7 से कर देता हूँ पहले, है ना। तो ये 7 से जा रहे हैं, 7 1 7, 2 बचेगा, 7 3 21, फिर 13 से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके इस तरह से बनेंगे कुछ, ठीक है। जो तो नंबर क्या आएंगे आपके, एक तो 13 आएगा और 7 2 14 14 और 13, देखो आपने जो माना था वो भी गलत माना था, 15 और जो मैं आपको बता रहा था वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था, तो वो आपने सही माना है या गलत माना है, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन ये रहा। यहां पर आप चेक कर सकते हो आपने जो माना सही माना या गलत माना, ऐसे चेक कर सकते हो यहां पर, ठीक है। अब 14 और 13 को माइनस माइनस में ले लो दोनों को, इन दोनों को माइनस माइनस में ऐड करोगे ना, तो कितना आ रहा है 4 और 3 7 और 2 और माइनस में तो माइनस आ रहा है, और इंटू करोगे इन दोनों को तो कितना आ रहा है 182। इसका मतलब हमारे नंबर क्या ले लिया हमने, अब इसको नोट डाउन कर लेना, 14 और 13, ठीक है, क्या लेना है 14 और 13। तो मैंने लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे चाहे 14 लिख लो चाहे 13 लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, आपकी मर्जी है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 13x माइनस का 14x और प्लस का कितना है 182
इक्वल्स टू में जीरो। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेते दोस्तों हम, ठीक है। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस 13। अब जो चीज यहाँ पे बनी उस चीज को यहाँ पर बना रहे हैं, तो माइनस का मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि प्लस का यहाँ पे माइनस बनाने क्योंकि अंदर बन रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 14 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 14 में इसका डिवाइड कर दो 13 आएगा, 14 में जो 14 कितने बचे यहाँ पे 4 और 2 14 3 42, तो ये बन गया। तो एक बार एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू में जीरो लिख दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 14, और एक बार एक्स माइनस 13 को जीरो के बराबर लिख दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 13, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर्स हैं आपके, तो एक नंबर आपका अगर 13 है, देखो अब केस दो दो केस हो गए इसमें, ठीक है, वो हम दोनों केस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों केस हो जाएंगे, जब x की वैल्यू क्या है आपकी, तो मैं एक बार आंसर सही से लिख देता हूँ आपका, जब व्हेन x इक्वल्स टू 13 देन, तो 27 माइनस 13 कर लेना, तो 7 में से 3 गए तो 4 और 2 में तो 14 आ जाएगा। अगर हमने x को व्हेन x इक्वल्स टू हमारा 14 है देन 27 माइनस 14 कर देना, तो ये क्या जाएगा 13, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख देंगे अपना, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये भी हो गए दोस्त, है ना। अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, देखो ये नंबर है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। देखो पहले भी एक क्वेश्चन था इस तरह का, लेकिन मैंने वहां पर नहीं कराया, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है इसलिए यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 देखो, पहले तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, इंटीजर ऐसे लिख देना आप, है ना, इंटीजर्स, एक को x माना, एक को x प्लस 1 मान लिया, ठीक है, एक को x माना, एक को x प्लस 1 मान लिया, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना, ठीक है। अब सम ऑफ हूज स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करा, ठीक है, और उनके स्क्वायर का प्लस सम ऑफ हूज स्क्वायर, और वो किसके बराबर दे रहेगा 365, समझ में आ गया होगा ये, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल लो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, और प्लस का टू ए बी, तो टू इंटू वन इंटू एक्स, मतलब टू एक्स आएगा, और इक्वल्स टू में 365, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का मैंने लिख लिया 2x, ठीक है। अब 365 को यहां पे लेंगे तो माइनस का 365 और 1 माइनस का 365, ये कितना होता है माइनस का 364, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, और उसको यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का कितना हो रहा है 364 इक्वल्स टू जीरो, और 2 देखो सभी में 2 से डिविजिबल है, 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 बन जा, 2 8 जा और 2 2 जा 4 और इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर आपकी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल्स टू में जीरो। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना दोस्तों, ठीक है, इसको आई होप आप सोल्व कर सकते हो, आप तो इतनी प्रैक्टिस हो गई। 182 के क्या करना, फैक्टराइजेशन करना और ऐसे नंबर सोचना कि यहाँ पे वन आ जाए, ठीक है। तो आप ये करके देखना, नहीं हो तो कमेंट कर देना, ना हो जाएगा आई होप, मैं आप इतना उम्मीद करता हूँ ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन, देखो 15th क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लाइन। देखो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ये हमने राइट ट्रायंगल बना लिया। राइट ट्रायंगल कौन क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है एक एंगल 90 डिग्री। तो इसके नाम वगैरह लिखने हैं तो लिख लो आप, चाहे तो नहीं मत लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसको बोलते हैं आप हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको बोलते हैं आप, अगर एंगल यहां से देख रहे हैं ना तो ये बेस होता है, अगर एंगल यहां से देख रहे हो तो ये बेस होगा, ये हमारा बेस हो गया, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ना ये, और ये क्या आपका एल्टीट्यूड हो गया, क्या हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इनके नाम लिख लेते हैं, ए ये बी और ये सी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर ए सी, ये मैंने लिख दिया ए सी, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, इसका मतलब इक्वल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस कितना है इसका ए बी, और वो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ऐसे ही लिखूंगा इसको, 7 सेंटीमीटर लेस है ना एल्टीट्यूड, ए सी बराबर ए बी माइनस 7, ये मैंने देखो कैसे डिकोड करा आप पता है, पहले लिखा जो लिख रहा था वैसे, पहले इसको मान लिया मैंने एल्टीट्यूड को लिख रहा ए सी, क्योंकि मैंने डायग्राम हमारा ए सी लिख रहा है, इस मतलब बराबर 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस को लिखेंगे ए बी और 7 सेंटीमीटर लेस है तो माइनस 7, अगर वो मोर होता तो प्लस लगा देंगे, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, ये तो सब गिवन है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है यानी कि आपको बी सी की वैल्यू दे रखी है, सी बी लिख दो बी सी लिख दो, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, ओके। अब फाइंड द अदर टू साइड, अब देखो यहाँ पे एक रूल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लेना, हाइपोटेन्यूज को क्या लिखूं मैं बी सी, जो मैंने माना बी सी का स्क्वायर, एल्टीट्यूड को क्या माना था मैंने ए सी, ए सी का स्क्वायर, बेस क्या माना था मैंने ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते दोस्तों, है ना, तो इसको सोल्व करते हैं, तो बी सी की जगह क्या लिखूँ 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। क्वेश्चन जब भी कहा था मैंने आपको एक 1 से 25 तक स्क्वायर आप याद कर लेना दोस्तों। ए सी कितना है आपका, ए सी को मैं लिख दूँ ए बी माइनस 7, तो ए बी माइनस 7 का होल स्क्वायर ये लिख दूंगा, प्लस ए बी आपका बचा, ए बी को ए बी लिख दो, ठीक है।
अब यहां पर है ना ए बी को एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, यहां पर ए बी को एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने ए बी को ए बी ले रखा है, चाहे तो आप ले लो ए बी इक्वल्स टू लेट, यहां पर लिख दो ए बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एक्स ये मान लो सेंटीमीटर में है सब, तो एक्स सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 169, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना ए बी को मानोगे ना थोड़ा सा आपकी क्वांटिटी इक्वेशन में लेगी, थोड़ी फील नहीं आएगा आपको, मैं तो कर दूंगा लेकिन आपको नहीं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले तो इसको ये लिख देते हैं ए बी को एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर, समझ लिया ना आप, ए बी को एक्स ले लिया पर, और प्लस ए बी कितना है एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 169 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर 49, और माइनस का 2ab, तो 7 इंटू एक्स इंटू टू, 7 टू जो 14x हो जाएगा 14x, और प्लस का कितना है एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां मैं लिख दूंगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ओके, और यहां पे कितना है प्लस का 49। अभी इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूं, पहले ही लिख देता हूं 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का कितना है 49, और इसको यहां पे ले आएंगे प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 169 और इक्वल्स टू में जीरो, क्योंकि सारी चीजें ले ली। अभी क्या बन जाएगी आपकी, देखो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, नोट डाउन कर लेना आप, है ना दोस्तों, ये नोट डाउन कर लेना यहाँ पर ये, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। अब देखो 49 में से 69 गए, देखो 169 में से ये माइनस से प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये 0 2 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस का बचेगा 120, समझ में आया ना 120 क्यों बच रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 से सारे डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, माइनस का कितना बचा 7x, 2 से 7 टाइम है, और 2 से कितनी बार जाता है 6 टाइम, और इक्वल टू 0, 0 2 के नीचे चले जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सोल्व कर लेना दोस्तों, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ ना, आप सोल्व करके देखना हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो इनटू में करने पर 60 आना चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट करो कि 7 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाए, तो मैं कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, 60 यहाँ से 2 से गया पहले तो 30 टाइम, 2 से गए 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो मैं आपको फैक्टर बना के दे देता हूँ, आप करने की कोशिश करना, अब आपको भाई उसमें भी तो करना है ना एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा, देखो 3 2 6 और 5 2 10, 10 में से 6 गए तो 4, नहीं ये तो नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या करा, 3 2 6, 6 2 12, हाँ ये हो जाएगा 3 2 6, 6 2 12, एक तो 12 ले लो और एक 5 ले लो, 12 5 जो कितना होता है 60 होते हैं, और माइनस का 12 लो प्लस का 5 लो, माइनस का 12 प्लस के 5 में से गया तो माइनस का 7 बचेगा, यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60, और इसके फैक्टर कर लेना आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है आपका एक्स, ठीक है। और एक्स देखो टू साइड्स निकालनी है, एक्स आ गया ना आपका, अगर आपका एक्स आ गया तो आप बेस और एल्टीट्यूड दोनों बता सकते हो, ठीक है, इसमें जो जो मैंने शुरुआत में माना था उस तरह से रख देना, बेस भी आ जाएगा एल्टीट्यूड भी आ जाएगा, वो आप अपने आंसर में मेंशन कर देना दोस्तों, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला, ये आप करना दोस्तों, ये आई होप आप कर सकते हो, है ना, इसमें कुछ नहीं करना, इनटू कर देना है, ठीक है, जितने भी वो दे रहा है प्रोडक्ट को उसके प्राइस से, जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं ना उसके प्राइस से इनटू कर देना, टोटल प्राइस रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से आपको मैं एक तो ये सेकंड वाला पार्ट और ये थर्ड वाला करा देता हूं, फर्स्ट आप करने की कोशिश करना, है ना, सेकंड वाला पार्ट। तो यहां पे लिख रहा है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x और प्लस 4, निकालना क्या है देख लो एक बार, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या चेक करना पड़ेगा हमको, डी चेक करना पड़ेगा कि इसमें रियल रूट्स है भी या नहीं, और डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो सबसे पहले देखो यहां पर ए कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 3, पी कितना है यहां पर एक्स का कोफिशियंट माइनस फोर रूट थ्री, अब बच्चे यहां गलती करते थे 4√3 लिखे थे लेकिन माइनस भी साथ में ध्यान रखना, और सी कितना है आपका 4 है, ओके, यहां पुट कर देते हैं, तो बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, सॉरी, ठीक है। अब देखो 4√3 इंटू 4√3 करेंगे, ठीक है, तो देखो 4 इंटू 4 तो कितना होता है 4 जा 16, और √3 कितना होता है 3, 16 3 जा कितना होता है 48, तो यहां पर तो ये आ गया 48, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इंटू में ना माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाता है, 4 3 जा कितना होता है 12 4 जा कितना होता है 48, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0, और जब डी की वैल्यू 0 होती है तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको 2 इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब हम देखो ये रियल रूट्स आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब इसके हमको फैक्टर करके एक्स की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो एक्स की वैल्यू भी हम निकाल लेते साथ में, ये आप मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों, है ना,
तो देखो डी की वैल्यू जीरो आ रही है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन यहाँ पे दे नहीं रखा तो मैं डायरेक्ट लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी आसान पड़ेगा, और रूट में यहाँ पे डी लिख दू, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यही तो वैल्यू निकाली थी हमने, इसको डी लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है टू ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, देखो माइनस अलग से फॉर्मूले में भी ध्यान रखना, फोर रूट थ्री, और ये तो जीरो आ रहा था ना, डी की वैल्यू क्या हो रही थी आपकी, जीरो हो रही थी ना, ये पूरी वैल्यू जीरो हो रही थी, और रूट जीरो मतलब जीरो हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये बचेगा ओनली, और टू और ए कितना है आपका थ्री है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर रूट थ्री अपॉन यहाँ पे टू इंटू थ्री, तो टू से तो टू गया, और रूट थ्री अपॉन थ्री कितना होता है, मैंने आपको बताया ना एक फॉर्मूला रूट एक्स अपॉन एक्स, पीछे जाके देख लो नहीं तो अगर नहीं आता, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा वन अपॉन रूट एक्स, ये मैंने आपको बताया था, तो ये भी ऐसे बन रहा रूट थ्री अपॉन थ्री, तो इसको लिख दूंगा वन अपॉन रूट एक्स, मतलब वन अपॉन रूट थ्री, ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था, पीछे जाकर आप देख सकते हो वापस से अगेन, है ना दोस्तों, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टू तो ऊपर बचा, और रूट थ्री अपॉन थ्री क्या लिख दूंगा रूट थ्री, तो टू रूट थ्री, और दूसरा रूट भी क्या आएगा टू रूट थ्री, क्योंकि दो इक्वल रूट है ना, तो ये दोनों इसका आंसर है, ओके दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना अपना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला, वो भी हमको करना था ना, तो यहाँ पर देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी है टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स एक्स का कोफिशियंट, सी की वैल्यू कितनी है थ्री, अब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू कितनी है इसमें माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस का फोर, ए की वैल्यू कितनी है टू, सी की वैल्यू कितनी है थ्री, तो सिक्स का स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स, और फोर टू जै एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, फोर टू जै एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो देखो डी की वैल्यू जो आ रही है ना क्या आ रही है आपकी 36 में से 24, तो ये आ रही है आपकी 12, ठीक है, ये कितना बचा आपका 6 और 6 12, ठीक है 12, तो D की वैल्यू क्या आ रही है आपकी दोस्तों 12, यानी कि D ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट है यहां पर, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट है यहां पर, और जब भी रूट्स एग्जिस्ट करें तो हमको निकालना भी साथ में, तो हम निकाल भी लेते हैं दोस्तों ना, तो मैं इसको निकाल लेता हूं, देखो D की वैल्यू याद रखना 12 है, ठीक है, D की वैल्यू 12 है, तो यहां पर वही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, तो यहां पर माइनस बी की वैल्यू माइनस और माइनस सिक्स अलग से बी में, ठीक है, प्लस माइनस ये रूट ट्वेल्व है, और नीचे कितना टू इंटू टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सिक्स इंटू में ना, और प्लस माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फोर इंटू थ्री, देखो रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूँ रूट में फोर इंटू थ्री, फोर थ्री जो ट्वेल्व फोर का रूट कितना था टू, टू रूट थ्री लिख दो उसको, तो टू रूट थ्री, और नीचे कितना है टू टू जो फोर, तो ये मैंने लिख दिया इस तरह से दोस्तों। अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं देखो क्या करूँ, एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो, एक बार प्लस में लेके सिक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर, और एक बार माइनस में ले लो सिक्स माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर, तो एक बार ये आंसर है एक बार ये आंसर है, इसमें कॉमन वॉमन लेके आप सेट कर लेना, ठीक है, दोनों आंसर मैंने बता दिया आपको, ये आंसर है आपके, है ना, ये आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन के रूट्स, ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, और देखो इसका थर्ड पार्ट कर लिया हम, फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं अब जो बच रहे हैं, देखो इसमें डी में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो डी कितना है इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होता है ना, तो b कितना है इसमें माइनस थ्री का स्क्वायर, और माइनस का फोर, a की वैल्यू टू है c की वैल्यू फाइव है, तो थ्री थ्री जा कितना था नाइन, और फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं, और d की वैल्यू जब भी नेगेटिव में और d लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है नो रूट्स, और यहाँ पे निकालने भी नहीं रूट्स, क्योंकि निकलेगी नहीं नो रूट्स, ओके, फर्स्ट वाला भी मैंने कर दिया, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये समझ लो ये तो आएगा ही आपका, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, यहां पर क्या दे रखा है आपको ध्यान रखना टू इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है डी बराबर जीरो, ठीक है, बस ये लगा दो डी इक्वल टू जीरो कंडीशन, अपने आप हो जाएगा ये, तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, तो मैं ये हार्ड वाला कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो ये मैंने लिखा के एक्स एक्स माइनस टू और प्लस का सिक्स इक्वल्स टू में जीरो, इसको अंदर इंटू करना पड़ेगा पहले, तो के एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, फिर माइनस का क्या हुआ के एक्स को टू से इंटू करेंगे, माइनस के टू से तो माइनस आ जाएगा, माइनस का टू के और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर प्लस का सिक्स है इक्वल्स टू जीरो, अब देखो यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है के है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी के, अच्छा एक्स का कोफिशियंट क्या होता है बी, क्या होता है बी, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस का टू के, ओके, और c की वैल्यू कितनी है 6 है, ओके, ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर क्या लगा दो आप d की कंडीशन लगा दो d इक्वल्स टू जीरो होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, b की वैल्यू कितनी है माइनस टू के का होल स्क्वायर, और माइनस का फोर, a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6,
और इक्वल टू जीरो, तो टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इवन पावर है ना, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर हो गया, ओके फोर के स्क्वायर हो गया, माइनस का सिक्स फोर जो 24 और यहाँ पे के और इक्वल टू में जीरो, ओके दोस्तों ये मैंने लिख लिया। अब यहां से देखो क्या कर सकता हूँ, यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहां पर मैंने फोर के स्क्वायर लिखा इक्वल टू में 24k को मान ले गए, 24k को मैं मान ले गया है ना, और अभी k स्क्वायर बराबर क्या लिख दूंगा 24k अपॉन 4, ठीक है ये मैंने लिख दिया। अब देखो ठीक है, या फिर आप इसको ना ऐसे कर लो तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है यहाँ पर k बच रहा है ना इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है इसको इस तरह से कर लो, अभी मैं मिटा देता हूँ इसको, तो मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना ना, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको इस तरह से करोगे ना तो आसान रहेगा, इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, मैंने आपको बता रखा था ना, या k स्क्वायर 1 ही रखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट जब भी रहेगा, तो 4 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचा k स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे क्या जाओ 24 के नीचे 4 ले लो, 4 6 जा 24, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पर रुको एक मिनट, यहाँ पर मैंने क्या लिया 4 के कॉमन लिया, 4 के कॉमन लिया तो नीचे 4 के रखूंगा, 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, k बचा है ब्रैकेट में, ऐसे ही करते हैं हम फैक्टराइजेशन में, और यहाँ पर मैंने 4 के कॉमन लिया, नीचे 4 के लगा लो इसके, तो 4 से ये 6 टाइम कैंसिल, k से k कैंसिल, या 6 बचा और ये इक्वल टू में 0, ओके दोस्तों। अब देखो यहाँ पर एक बार तो इसको 0 के बराबर लिख दो, 4k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k बराबर क्या आ गया 0/4, मतलब 0 होगा, k की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास 0, ओके, और एक आगे k माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दो, k की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6, ओके तो ये दो आपकी वैल्यूस आ गई है इसमें, k की वैल्यू 0 हो गई और एक k की वैल्यू 6 हो गई, ओके दोस्तों। तो इस तरह से मैंने देखो सेकंड वाला पार्ट भी कर दिया, अब देखो ये वाले थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप कर लेना, ऐसी बात नहीं नहीं करने इनको, कर लेना लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है सच में, ठीक है लेकिन करके चल जाना, लेकिन पहले ये करना जो इंपॉर्टेंट वाले बताएं आपको, ठीक है इनको तो अच्छे से कर जाना, तीन तीन बार, दो दो बार, जितनी बार आप कर सकते हो, मतलब तीन बार तो एटलीस्ट कर ही जाना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसके एग्जाम्पल से कुछ, है ना, बुक में एग्जाम्पल से कुछ इसमें, तो ये मैं कुछ बता देता हूँ इसमें, देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ये करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। ये देखो जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनमें से कोई एक बता देता हूँ मैं, कौन सा हार्ड है इसमें, ये वाला बता देता हूँ, बाकी आप कर लोगे ना, ये वाला बता देता हूँ, है ना। तो देखो इसको मैं लिखूंगा यहीं पर कर देता हूँ, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब का टू का क्यूब कितना होता है 8, देखो इस तरह का हमने कर भी लिया था शुरू में, अगर याद होता है तो यहाँ पे कितना है x क्यूब माइनस 4, ठीक है। अगली स्टेप क्या आएगी आपकी, अगली आएगी x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x को अंदर इनटू करो, 6x स्क्वायर प्लस का 6 टू द 12x, ठीक है, और ये x क्यूब माइनस 4 है ना, इनको यहाँ पर ले लो इस तरफ, माइनस का x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल्स में साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो साइन है ना इधर जाते हैं चेंज हो जाएंगे। अब देखो देखो पहले वाली जो हमने इक्वेशन सोल्व करी थी ना उसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन इसमें बन सकता है, देखो एक्स क्यूब प्लस का है माइनस एक्स क्यूब दोनों सेम है कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा एक तो 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का क्या बचा 12x, ठीक है, और यहाँ पर 8 और 4 कितना होता है 12, कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लेते हैं 8 और 4 12, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये इसमें लिख देना यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है, ऐसे बता देना करके, बाकी आप करके देखना इसके ना ये जो भी है, ठीक है, बुक में मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशन, है ना। तो अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे ये फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टू रूट सिक्स एक्स लिखा प्लस टू लिखा इक्वल्स टू में जीरो, ठीक है। अब इसको मैं दो मेथड से बता दूंगा, ठीक है, पहला मेथड तो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, तो उसके पहले कर लेते हैं, तो सबसे पहले 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, ऐसे फैक्टर करो कि बीच का नंबर आ जाए, तो मैंने आपको रूट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, रूट सिक्स और रूट सिक्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 2√6, माइनस में करेंगे तो माइनस का 2√6 और इनटू करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x, √6 √6 2√6, मतलब एक आदमी और एक आदमी दो आदमी इस तरह से, ठीक है, और इक्वल टू में जीरो। अब यहां से देखो मैंने बता रखा था यहाँ पे एक्स बचाना ओनली, 3x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x, और माइनस का कितना बचेगा √6 और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा,
और x है तो x कट ही जाएगा और माइनस जो चीज यहाँ पे बनी उस चीज को यहाँ पे बनाना है, तो रूट सिक्स कॉमन ले लो यहाँ पर, तो x बचेगा यहाँ पर और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और टू नीचे कितना जाएगा रूट सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो ये और दोनों एक जैसे लग नहीं होगी लेकिन बनाते हैं इनको, तो एक बार तो हमने लिख लिया देखो इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा, थ्री एक्स माइनस का रूट सिक्स इक्वल्स टू जीरो, एक तो निकाले एक्स बराबर जाएगा रूट सिक्स उधर जाएगा और नीचे कितना जाएगा थ्री, ठीक है ये मैंने लिख दिया। अब x बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको रूट सिक्स को क्या लिख सकता हूँ थ्री टू जो सिक्स, मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट के अंदर रूट इंटू हो जाता है थ्री टू जो सिक्स, तो इसको लिख दूंगा रूट टू इंटू रूट थ्री और नीचे कितना थ्री। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट टू, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन रूट थ्री, मैंने बता रखा है प्रीवियस, आप देख सकते हो वीडियो को बैक करके देख सकते हो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो ही आ गई, एक रूट तो ही आ गया, दूसरा आप निकालते हैं देखो ये वाला जैसे ना थ्री एक्स माइनस का ये तो मैंने लिख लिया, अब x माइनस रूट सिक्स अपॉन थ्री और x माइनस टू रूट सिक्स, ये दोनों एक ही चीज ध्यान रखना, इसको मैं बना लूंगा, देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको, ये मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। देखो जैसे ये है रूट, देखो रूट सिक्स अपॉन ये थ्री था ना ये वाली चीज, इसको मैंने ऐसे लिख दिया था ना अभी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं रूट टू अपॉन ये देखो रूट सिक्स अपॉन थ्री है यहाँ पे, रूट टू अपॉन रूट थ्री लिख दूं इसको, तो यहाँ पे लिख दूंगा थ्री एक्स और यहाँ पे एक्स माइनस का रूट टू अपॉन रूट थ्री लिख दिया, माइनस का रूट सिक्स यहाँ पर है और एक्स माइनस का, अभी देखो यहाँ पर है टू, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ टू अपॉन रूट टू है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट टू और यहाँ पे रूट थ्री, ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री और बन गए ना सेम दोनों, और यहाँ से भी यही वाली वैल्यू आएगी आपकी अगर इसको भी बराबर जीरो करेंगे, दोनों सेम रूट है। ये तो हो गया मेथड नंबर वन जो कि आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है दोस्तों ना, इसका मेथड नंबर सेकंड देखो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए है ना। मेथड नंबर सेकंड सबसे पहले इसका डी चेक करो, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ओके दोस्तों बी क्या यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू थ्री है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का टू रूट सिक्स है और c की वैल्यू कितनी है टू है, ठीक है ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस का टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है माइनस का फोर, a की वैल्यू थ्री और c की वैल्यू टू, ठीक है तो ये टू रूट सिक्स इंटू टू रूट सिक्स ये कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर है ना इवन पावर है ना, टू टू जो कितना होता है फोर और रूट रूट से इंटू हो जाएगा, रूट को रूट कैंसिल कर देगा तो इंटू सिक्स और सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर, तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर और इनको इंटू करेंगे फोर थ्री जो ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर, ये भी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बराबर जीरो आ रहा है, तो डी की बार वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब टू इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे टू इक्वल रूट्स, ठीक है। अब लगा लेते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत आसान पड़ेगा फिर, तो देखो माइनस का जब भी होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी अपॉन टू ए ही लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे d की वैल्यू तो जीरो ही हो रही है ना, ये वाली वैल्यू तो क्या हो रही है जीरो ही हो रही है ना, क्योंकि यहाँ जीरो लिख देंगे तो क्या लगेगा आपके पास माइनस बी अपॉन टू है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है देखो ये, और अलग से माइनस भी ध्यान रखना, और नीचे कितना है टू ए थ्री टू सिक्स, तो यहाँ से क्या है माइनस माइनस प्लस टू रूट सिक्स अपॉन सिक्स, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी थी देखो यहाँ पर है ना, ये तो चीज हो गई आपने, तो टू से काट लो टू थ्री जो सिक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका रूट सिक्स अपॉन थ्री, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट सिक्स को रूट टू इंटू रूट थ्री और नीचे थ्री। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट थ्री अपॉन थ्री वन अपॉन रूट थ्री, तो ये आ गया रूट टू अपॉन रूट थ्री, दोनों यही आ जाएंगे सेम रूट टू रूट अपॉन रूट थ्री, ये इसके आंसर है दोस्तों है ना। ये वाला मेथड थोड़ा ईजी लगा होगा आपको, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर अब सेवन वाला करते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, नेचर भी बताना है। तो बेसिकली इसमें ए की वैल्यू कितनी है टू है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर है, सी की वैल्यू कितनी है थ्री है, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी रख दीजिए, बी की वैल्यू माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस का फोर, ए की वैल्यू कितनी है टू, सी की वैल्यू थ्री, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और फोर टू जा एट, ठीक है, और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है और डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो इसका मतलब क्या है नो रूट्स, नो रूट्स, ठीक है। यहाँ पे रूट्स नहीं निकालते, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, देखो टू है ये माइनस फोर है ये थ्री है, यहाँ पर रख दिया हमने फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ए और सी थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो ये भाई इसमें से रूट्स नहीं आ रहे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन दोस्तों, आपकी बुक का ही है, तो अपडेटेड बुक है ध्यान रखनी है, कभी आप पुरानी बुक में देखो, अपडेटेड बुक का देखना जो आपकी रिवाइज हो चुकी है इस साल है ना 2024। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन देखो ये दे रखा है आपको, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है, तो यहां पर आपको देखो यहां पर ए कितना दे रखा है दोस्तों थ्री, ओके बी कितना दे रखा है माइनस टू, ओके सी कितना दे रखा है वन अपॉन थ्री, हैज फाइंड नेचर ऑफ इट्स रूट्स फाइंड इफ दे आर रियल, ठीक है। अब देखो या तो आप थ्री को यहां पर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, बात एक ही है ना। तो देखो
यहाँ पे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, अब बी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे, माइनस टू, तो माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3, और सी की वैल्यू कितनी है, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, माइनस 3 से, ये सब इनटू में, इनटू इनटू इनटू, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 4, और ये आ रहा है 0 के बराबर, डी बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख लेना रियल इक्वल रूट्स, ठीक है, 2 रियल इक्वल रूट्स है यहाँ पर, इफ दे आर रियल। अब फाइंड भी करना है इनको, डी की वैल्यू 0 है, और जब डी की वैल्यू 0 हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लगता है, माइनस बी अपॉन टू ए। तो यहाँ से देखो, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑलरेडी भी है, माइनस 2, और 2 ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ये 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, तो एक तो 1/3 आएगी, दूसरी भी क्या आएगी, 1/3। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है, आसान था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वाड्रेटिक, ये जो है ना फोर्थ चैप्टर आपका, ये हो चुका है।